वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बजट को 2% बढ़ा गया। इस अंतरिम बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ी रुचि को देखते हुए लक्षद्वीप सहित अपने सभी द्वीपों पर नए आधारभूत ढांचे और पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2% बजट बढ़ाने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करेंगे और उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग वैश्विक स्तर पर करेंगे, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार इस विकास के लिए राज्यों को लंबी समयावधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी मुहैया कराएगी। बजट की घोषणा के बाद एक बार फिर से मालदीव और लक्षद्वीप की चर्चा तेज हो गई। वजह यह भी थी कि भारत के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% घटा दी गई है। सोशल मीडिया पर एक तबका ये कहने लगा कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं, लक्षद्वीप जाए। इस विवाद के बाद लक्षद्वीप के लिए बुकिंग करने वालों की संख्या बढ़ी। गूगल पर कभी भी बड़ी संख्या में सर्च न किए जाने वाले लक्षद्वीप के बारे में लोगों ने इतनी जानकारी जुटानी चाहिए कि ये सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली जगहों में आ गया। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी MakeMyTrip ने कहा कि मोदी के दौरे के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप को सर्च करने वालों में 34% बढ़ोतरी हुई। मालदीव यानी दीपों की माला। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। डेली न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक्स जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।